सी एक तरफ राइट है ना भाई। अच्छा अब हमारे को चाहिए इधर की तरफ माइनस थ्री कर देते हैं और इधर माइनस वन कर देते हैं राइट है ना। दोनों की मल्टीप्लाई प्लस का तीन भी दे देगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस नौ सी दे देगी और एक माइनस सी मिल जाएगा, माइनस का दस सी हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई थ्री सी स्क्वायर दे देगी राइट ना। फाइनली हो गया मतलब गुणनखंड हो जाएंगे ठीक है, फैक्टर हो जाएंगे सॉरी। तो सी इज इक्वल में कितना हो जाएगा ना, एक आंसर तो हो जाएगा वन बाई थ्री, एक सी इज इक्वल में कितना निकल जाएगा थ्री और दोनों के बीच में लगेगा आर, याद है ना। अच्छा अच्छा वो आगे बात करते हैं। अब cos x इज इक्वल टू में कितना है, एक आंसर कितना वन बाई थ्री आ रहा है और एक cos x इज इक्वल टू में कितना आ रहा है थ्री आ रहा है, ये तो फिजिबल ही नहीं है, ये तो मामला यही बंद हो गया। अच्छा cos x इज इक्वल टू जो वन बाई थ्री आएगा ठीक है ना, हमको ये पता है कि cos x इज इक्वल टू वन बाई थ्री कहीं तो आएगा ही आएगा, आएगा ना। तो हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये जो वन बाई थ्री है ये किसी cos का कोई आंसर है, कोई cos का आंसर है ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं लेट cos अल्फा इज इक्वल टू कितना वन बाई थ्री, सही ना भाई, लेट cos अल्फा इज इक्वल टू कितना वन बाई थ्री। कोई cos होगा दुनिया में ऐसा जो वन बाई थ्री देगा, देगा कि नहीं देगा भाई, आपको पता है ना cos कहां से कहां तक देता है, माइनस वन से वन देता है, देता ही है ना। तो माइनस वन से वन के दौरान वन बाई थ्री भी आता ही होगा ना कहीं तो कोई तो दुनिया का ऐसा एंगल होगा cos में जो वन बाई थ्री देगा। मैंने उस एंगल को मान लिया लेट cos अल्फा इज इक्वल टू वन बाई थ्री है ना। अब उस अल्फा के नाम को हम लोग यहां यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, हम लोग बोलेंगे x इज इक्वल टू में कितना, ये cos x इज इक्वल टू cos अल्फा हो चुका है तो x इज इक्वल टू कितना हो गया ना n पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू अल्फा। अच्छा ये साइन का है ओके, तो n पाई प्लस, अच्छा तीसरा वाला लिख दू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेरी श्योर है ना। अच्छा अरे ये तो नहीं आया ठीक है। अच्छा क्या एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो साइन का था गुड है, तो आंसर में कितना हो गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा और यहां पे मेरे को लिखना पड़ेगा वेयर है ना cos अल्फा इज इक्वल टू कितना 1 बाई थ्री या अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाई थ्री है ना, cos इनवर्स 1 बाई थ्री है ना, एक ही बात है। अच्छा ये हो गए है ना। अच्छा अब एक और बात बताइए है ना, इसी के अंदर कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे, इस क्वेश्चन के कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे, जीरो से कहां से काम है, जीरो से 2 पाई, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 0 से 2 पाई में देखते हैं पहले तो याद है ना। तो 0 से 2 पाई में कितने सॉल्यूशन होंगे, दो, याद है ना, कैसे याद दिला देता हूं है ना भाई, ऐसे ये अपने को याद है ना cos का ग्राफ, एक सेकंड, cos का ग्राफ ऐसा होता है ना, ये होता है cos का ग्राफ, 0 यहां होता है और कहीं ना कहीं आगे जाकर के ये जगह पे आता है 2 पाई, दिख रहा है। अच्छा ये जगह पे आता है पाई बाई टू, ये जगह पे आता है 3 पाई बाई टू, बीच में कहीं होता है पाई। 1 बाई थ्री जो होगा ये टॉप वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 बाई थ्री कहीं बीच में होता है, होता है कि नहीं होता, तो कितनी जगह पे कटिंग हुई 2, ये अपने आप में 1 बाई थ्री की लाइन है राइट है ना। तो 1 बाई थ्री दो जगह पे स्पेसिफिकली काम कर रहा है, कहां कहां पे काम कर रहा है सुनना, कहां कहां पे, पहला अल्फा पे, दिख रहा है आपको, ध्यान से देखना ध्यान से, पहला काम कर रहा है अल्फा पे, पहला अल्फा पे, ये जगह अल्फा, ये जीरो से अल्फा आगे है और ये जगह है टू पाई और ये जो है ये टू पाई से क्या पीछे है या आगे है, पीछे, तो मतलब एक आंसर हो गया 2 पाई माइनस अल्फा, बात पकड़ में आ गई ना है ना। एक आज से कोई 8 या 9 साल पहले है ना जेई में क्वेश्चन आया था जिनमें उन्होंने क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट किया था और पूछे थे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उस प्रिंसिपल सॉल्यूशन के दौरान उन्होंने क्या चतुराई करी थी, ये चतुराई करी थी जहां आप तीन देख रहे हैं उन्होंने 1 बाई ई करवा लिया था, क्या करवा लिया था 1 बाई ई, 1 अपॉन ई, ई की वैल्यू होती है 2.7, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन लगभग ऑलमोस्ट 1 बाई थ्री जैसी ही फील है, हाँ या ना। और उन्होंने नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोले थे ठीक है ना। अच्छा ये नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने हैं ना, 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो याद रखना वी हैव 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन ठीक है, 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन कौन से, अल्फा और कौन सा 2 पाई माइनस अल्फा, पहली चीज ये पकड़ना है ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात, अब इसी चीज को मैं मतलब मैं है ना अब जो कल तक अपने सीखा उसके आगे सीख रहे हैं ठीक है ना, हालांकि जो सरकारी नोट्स हैं उसमें बस ये आ गया और बच्चे के लिए खत्म होता था मामला, लेकिन अपने को उसे आगे आगे बियॉन्ड सोचना, बियॉन्ड क्योंकि आईटी उसके जस्ट आगे सोच रहा है। अच्छा दूसरी चीज, एक बच्चे के मन में आ गई सर ये जो हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकाल के बैठे हैं, ये जो जनरल सॉल्यूशन हमने निकाला क्या इससे प्रिंसिपल सॉल्यूशन बनता है क्या, मैंने कहा हां बन सकता है। सोचो एन की जगह जीरो रखता हूं, एन की जीरो रखते ही एन की जगह जीरो रखते कितने कितने आंसर आ गए, नहीं क्वेश्चन नहीं सुना आपने,
एन की जगह जीरो रखते कितने आंसर आ गए, कौन कौन से, प्लस अल्फा और माइनस अल्फा, और जिसमें हमारा आंसर क्या है, अल्फा, प्लस अल्फा है ना, एक आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया, देखो मिल रहा है, मिल रहा है ना, माइनस अल्फा तो जीरो को उधर पड़ेगा ना, अरे दिमाग के धंधे, माइनस अल्फा तो उधर पड़ेगा, हमको तो जीरो से टू पाई में देखना है, तो एक अल्फा तो वहां दिख गया, राइट है, जीरो रखने पे एक सॉल्यूशन मिल गया। अब दूसरा एन इज इक्वल टू वन रखता हूं, एन इज इक्वल टू वन रखते कितना कितना आंसर आ गया, टू पाई प्लस अल्फा और टू पाई माइनस अल्फा, अच्छा टू पाई प्लस अल्फा तो टू पाई के आगे मिलेगा, याद है ना, और टू पाई के आगे हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन काम ही नहीं करता, तो टू पाई माइनस अल्फा जो है वो इकलौता इधर का सॉल्यूशन है, तो चाहो तो वो भी दिख सकता है, माने प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होते हैं वो जनरल सॉल्यूशन का ही पार्ट होते हैं, एन इजिकल टू जीरो वन टू रख करके निकाले जा सकते हैं, बात पकड़ में आ गई, है ना, तो ऐसा भी सोचना है ना, दोनों के बीच में लिंकेज क्या है। अब आगे चलता हूं, रेडी, मुद्दे की बात हो गई है ना, क्वेश्चन से बियॉन्ड अगले क्वेश्चन की ओर, रेडी, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं वो भी सोचते हैं, है ना, अच्छा अगला क्वेश्चन कहते हैं, पकड़ में आ गया ना वाली बात, है ना, अगला क्वेश्चन लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस में दे रखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, माइनस में दे रखा है फोर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट है भाई, थ्री कितना साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस का फोर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, राइट है भाई, देख लिया है ना। अब अगर आप इसमें अकल के तंतु सारे बेड़ा भी लेंगे ना तो भी इसमें एक बार के लिए कई बच्चों को स्ट्राइक नहीं करता कि सर इसके फैक्टर कैसे करूं, राइट है, लेकिन मैं आपको एक रास्ता देता हूं, उस रास्ते चल के देखना इसका मतलब समझते हैं, बस अब आप चालू हो जाइए, अगर आपको समझ में आता है कि ये क्या लिखा है तो आप चालू हो जाओगे, अगली लाइन में आपको दिखने लग जाएगा, भाई ये बता दो cos square से डिवाइड करते ये कितना बन गया 3t square, राइट है 3t square, अच्छा यहां पे अगर भाई cos square से डिवाइड करा तो एक cos कट गया, यहां पे कितना रह गया t और यहां कितना रह गया 4, है ना भाई, अब दिमाग लगा लो, मैंने 10x की जगह t ले लिया ना ताकि मेरे को चीजें अच्छी लगे, मैं छोटा छोटा बना के खेल जाऊंगा, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो, कॉर्नर और इसकी बीच वाले को ब्रेक करो, है ना, उसके लिए आपसे सोच के जवाब दो, कैसे भी कर लो, फिर वो AB में लफड़ा हो जाएगा लेकिन, है ना, हाँ, वो अच्छा नहीं लगेगा आपको, इसलिए मैंने आपको पहले ही रास्ते में सही रास्ता पहुंचा दिया ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए, हुआ, ब्रेक करो, इन दोनों की गुणा कितनी होती है मल्टीप्लाई 12, अब सोचो 12 को कौन सेट कर सकता है 4 और 3, सही ना, तो आपके दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए 3t स्क्वायर माइनस का कितना 4t प्लस का कितना 3t माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट है, तो उम्मीद है आप में से कई लोगों को ये तो पकड़ में आ ही गया होगा कि एक ब्रैकेट क्या बनेगा, एक में तो 3t आगे आएगा और एक में t आगे आने वाला है, हो जाएगा, करो t की वैल्यू बताओ कौन कौन सी है, कितने लोगों का आंसर आ गया, अब मिला लो, ठीक है भाई, अच्छा 3t ये अगर देखा जाए ना, इसको जरा सीख लेते हैं, यहां से अगर देखा जाए तो माइनस 4 लाना है, तो अपन को क्या करना चाहिए, यहां से t कॉमन लिया था, अंदर बचा था 3t माइनस 4 और यहां पे क्या बचेगा t प्लस 1, राइट है क्या, इक्वल टू 0, इससे हमारे पास t की दो वैल्यू आ रही है, t इज इक्वल टू कितना 4 और 4 बाई 3 और t इज इक्वल टू कितना t इज इक्वल टू माइनस 1, अच्छा आपको पता है ना ये t माने 10x है, तो 10x इज इक्वल टू कितना हो गया 4 बाई 3 और 10x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 1, अच्छा 10x इज इक्वल टू अगर माइनस 1 हो गया तो आपको याद है माइनस 1, पहले बताओ 10x में 10 में 1 कितने पाता है 5 बाई 4 और माइनस 1 माइनस 5 बाई 4, 3 5 बाई 4 तो नहीं, याद है ना, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं माइनस का कितना 10 पाई बाय 4 कंफर्म, राइट है भाई, अच्छा 10x इज इक्वल टू में माइनस 10 में सॉरी माइनस 5 बाय 4 गलत लिख रहा हूं मैं, हाँ ये रॉन्ग मेथड था, ठीक है 10x इज इक्वल टू में 10 माइनस 5 बाय 4, याद है 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा, तो x बराबर कितना लिखूं बोलो n पाई प्लस माइनस या प्लस प्लस इंटू में कितना माइनस 5 बाय 4, राइट है, ये बात एक डन हो गया, एक आंसर तो यहां से हो गया, राइट है, अच्छा दूसरी चॉइस पकड़ो 10x इज इक्वल टू 4 बाई 3 किसी को पता है क्या, अपने को तो पता ही नहीं ना आइडिया, हाँ ऐसे फिजिक्स में तो ध्यान ही है 53 डिग्री आया ना 53 डिग्री, लेकिन वैसे तो नहीं पता ना, मैं हमें नहीं पता तो हम तो ये मानेंगे कि ये कितना है
ठीक है, लेट अपने आप में क्या मानूंगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना 4/3, बेहतरीन। और फिर आंसर में क्या लिखूंगा, एक्स इज इक्वल टू कितना एन पाई प्लस अल्फा, और दुनिया को बताऊंगा कि वेयर अल्फा इज इक्वल टू कितना टेन इनवर्स 4/3। ये तो सबको पता ही ना, अल्फा इज इक्वल टू ये होगा एक्स इज इक्वल टू में एन पाई। गुड, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस टेन थीटा ब्रैकेट में दे रखा 1 प्लस साइन 2 थीटा, राइट है, और इधर ब्रैकेट में दे रखा कितना 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, पहली लाइन में हिंट दे दूंगा, ठीक है, चेंज साइन 2 थीटा, एक ही आदमी परदेसी है इसमें इन टेन थीटा। कितने लोगों को याद है साइन 2 थीटा को टेन थीटा में बदलना, हाँ बिल्कुल वही 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 है ना। मैं इसलिए मैं 40 सेकंड रुकूंगा ताकि आप में से जिसको आता है उसको 40 सेकंड मिल जाए, वो आगे की दौड़ में बना रहे, और उसके बाद में मैं 40 सेकंड के बाद मैं आ जाता हूं, है ना, फटाफट नेक्स्ट। यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2 थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, भूल ही गए, पिटवाई देते हैं हिसाब, हिसाब आपको बेस, अरे इसमें कौन सा आपको पिछली वाली ट्रिग्नोमेट्री जैसी भारी भारी बातें करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू याद होनी चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, और इसमें तो इतनी बार यूज होता है ना, साइन सी प्लस साइन डी आता है सबको आता है, हाँ या ना, कितने फार्मूले हैं 4, पहले तो ये पता हो ना कितने फार्मूले हैं 4 है ना, कोई ऐसा तो नहीं जिसको थोड़ा थोड़ा आता है, ऐसा तो नहीं ना, साइन सी प्लस साइन डी भी थोड़ा थोड़ा आता है, 4 ही फार्मूले उसमें भी थोड़ा थोड़ा आता है, जैसे बहुत भारी चीज हो ऐसा भी होता है, कहीं कई कहते हैं थोड़ा थोड़ा आता है, अरे कौन सा यार, बहुत सारे कुछ फार्मूले थे जो आपको थोड़े थोड़े आते हैं। ठीक है, अगर देखा तो 1 माइनस में 10 थीटा ब्रैकेट के अंदर आ जाता हूं, 1 प्लस में कितना साइन 2 थीटा का मतलब कितना होता भाई 2 थीटा। अब देखो जरा, मैं यही जैसे ही मैं ऐसा लिखना चालू करूंगा मैं तुरंत श्रिंक कर दूंगा मेरे मैटर को, क्यों, क्योंकि मुझे बड़े बड़े उसको देखते डर लगता है, तो मैं आपके सामने लिखूंगा 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या ख्याल है आपको, दिख गया, ठीक है ना। अच्छा बस आप तो सिर्फ उत्साहवर्धन करते रहना, क्या बराबर है कि नहीं यहां तक, अच्छा कितने लोगों को एलसीएम आता है लेना, एलसीएम बोलो कितना हो गया इसका एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर, इस 1 की जगह कितना हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, है कि नहीं भाई, तो उम्मीद है आप में से कई लोगों की नींदें खुल गई, तो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, फिर भी एक बार के लिए आपकी इच्छा के लिए मैं लिख देता हूं 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 प्लस टी, है ना, हालांकि मुझे नहीं लिखना चाहिए ये 1 माइनस टी, एक स्टेप कम करने में भलाई है, सबको पता चल गया ऊपर वाला, ये जो ऊपर है ना ये अपने आप में क्या लिखा है 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो जरा इसे लिख रहा हूं 1 माइनस टी ब्रैकेट में लिख रहा हूं 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में आ गया ये वाला स्टेप, याद आ गया, ये वाली नीचे वाली पार्टी उधर आ गई फुदक करके, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अच्छा अब एक काम करता हूं, देखो जरा दोनों के अंदर, दोनों को एक तरफ लेके जा रहा हूं, दोनों इस वाली पार्टी को उधर लेके जा रहा हूं, ले जाऊं, कितने लोगों को दिखता है ये क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर और ये क्या है 1 प्लस टी, कुछ कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, क्या कॉमन आएगा दोनों में, अभी से तय कर लिया करो, हाँ आधा काम हवा में करा करो, मेरे को मदद करो, 1 प्लस टी हो गया कॉमन, अच्छा बताओ जरा 1 प्लस टी ये कॉमन आते हैं यहां से क्या रह गया 1 माइनस टी इंटू, इससे भी तो कुछ कॉमन रह गया इंटू में कितना 1 प्लस टी, बहुत बढ़िया, अच्छा 1 प्लस टी तो इसमें से कॉमन आ गया, ये उधर जाके किसका हो गया माइनस का, अच्छा यहां पे क्या बच गया बोलो 1 प्लस टी का स्क्वायर, रह गया कि नहीं रह गया, अच्छा कितने लोगों को मन की आंखों से 1 माइनस टी स्क्वायर दिख गया 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, एक बार दोबारा दिखा देता हूं कितना 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 है ना माइनस टी स्क्वायर, क्या ख्याल है, कुछ याद है ना, इधर जीरो तो आ गया, अच्छा और इधर ब्रैकेट में क्या चल रहा है 1 प्लस टी, यहां तक तो कोई डाउट नहीं, अच्छा आपको पता है 1 1 कटेगा टी टी 1 1 काट दो, काटते ही कितना दिख रहा है आपको माइनस का 2t स्क्वायर, तो ओवरऑल लिख रहा हूं माइनस का कितना 2t स्क्वायर इंटू में कितना 1 प्लस टी इज इक्वल टू कितना 0, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अब जरा सोच के बताओ ये दो चीजों की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है 0, दो चीजों की मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब या तो इसका 0 या इसका 0, बराबर है कि नहीं, अगर इसने 0 दिया तो 2t स्क्वायर बराबर 0 माने t बराबर 0, अरे किसी का स्क्वायर 0 माने वो खुद 0 है, राइट है ना, है ना, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं
यहां लिखता हूं टू टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, बोले तो टी बराबर जीरो, टी बराबर जीरो माने टेन एक्स बराबर जीरो, बराबर है ना भाई। और उधर से देखा था तो वन प्लस टी बराबर जीरो माने टी इज इक्वल टू कितना माइनस वन, बोले तो टेन एक्स इज इक्वल टू कितना माइनस वन। दोबारा बताओ माइनस वन कहां आता है टेन में, माइनस फाइव बाय फोर, तो यहां कितना लिख दूंगा टेन माइनस फाइव बाय फोर लिख दू, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया एन पाई माइनस फाइव बाय फोर लिख दू, ये एक काम डन। अच्छा अगले की बात करता हूं, टेन एक्स बराबर जीरो कौन बताएगा, हाथ खड़ा करना, आंसर मत बोलना, आंसर नहीं बोलना, तुम बताओ टेन एक्स बराबर जीरो। हाँ नहीं, अच्छा चल शुरू से चालू करता हूं, साइन एक्स बराबर जीरो नहीं नहीं, अरे तू क्या कर रहा है आज बैठ, हाँ तुम बताओ, नहीं नहीं साइन एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर एन पाई, कॉस एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर ऑड पाई बाय टू, बहुत बढ़िया, टेन एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर एन पाई, डायरेक्ट बोलना है याद है ना, टेन एक्स बराबर जीरो माने एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया एन पाई, डायरेक्ट बोला करो ठीक है, या यू भी बोल सकते थे एन पाई प्लस जीरो, नहीं आया एन पाई प्लस जीरो माने एन पाई, नहीं आया, बात पकड़ में आ रही है ना। हाँ ये बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन इवेंचुअल है, याद होना चाहिए, तो बिल्कुल रटा हुआ ठीक है ना। अच्छा वापिस आगे जाऊं, इससे बढ़िया मैं आपको वापिस बता देता हूं कुछ काम की चीजें, बहुत ध्यान से सुन लेना भाई, काम काम की बातें ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं मैं, अब समझना ठीक है ना। मान लीजिए कि क्वेश्चन में मुझे मिल गया साइन एक्स इज इक्वल टू कितना एक, कितना मिल गया साइन एक्स इज इक्वल टू वन मिल गया, अगर मुझे साइन एक्स इज इक्वल टू वन मिलता है तो मुझे पता है वन का मतलब होता है साइन पाई बाय टू, हाँ या ना, कितना होता है साइन पाई बाय टू होता है कि नहीं होता, तो मैं साइन एक्स इज इक्वल टू वन को लिखूंगा एक्स इज इक्वल टू में कितना जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू पाई बाय टू लिख दूंगा ना भाई, ये लिखूंगा, या सुनना ऐसा लिखूंगा जनरल सॉल्यूशन, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं। अच्छा लेकिन अगर आप में से कोई थोड़ा सा भी सर्कल का जानकार है तो आपको पता होगा ये सर्कल में ये वाली जगह होती है टू एन पाई, याद आ गया, इसको मैंने बोला था रेफरेंस एंगल, कल बोला था ना। अच्छा अब आपको ये पता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू वन, साइन एक्स अपने आप में वन कहां होता है याद है, या तो जीरो होगा यहां पे, तो जीरो होगा यहां पे, जीरो होगा ना, जीरो डिग्री पे जीरो, अरे सोचो ना जीरो पे जीरो, अच्छा यहां पे 90 पे वन, यहां पे जीरो और यहां कितना माइनस वन। आज के दिन में मैं साइन एक्स इज इक्वल टू वन की बात कर रहा हूं, साइन एक्स इज इक्वल टू वन कहां आएगा, यहां यहां आएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू वन इस जगह आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं रेफरेंस एंगल से देखूं तो मैं कितना चल गया टू एन पाई प्लस फाइव बाई टू, बात समझ में आई कि नहीं, तो याद रखना इसका एक और आंसर भी है याद रखना, तो लोग है ना इसको ऐसे भी लिखना पसंद करते हैं इट इज टू एन पाई प्लस फाइव बाई टू, आई बात समझ में, तो लोग क्या करते हैं ना, हालांकि दोनों आंसर है बट इट इज मोर प्रेफरेबल, इट इज मोर प्रेफरेबल लिख लेंगे, ये ज्यादा प्रेफरेबल है ठीक है। देखो अब अपन ने जनरल सॉल्यूशन का भी एक तोड़ निकाला है, ये कब कब निकालना है, ये कब कब यूज करना है, जब आसान एंगल आ जाए, कैसे एंगल आ जाए आसान ठीक है ना, इससे क्या होगा हमें फायदा होगा, करोड़ों का फायदा है ना, करोड़ों का फायदा होगा, करोड़ों का है कि नहीं, याद रखना ये बात है ना, इससे अपने को बहुत फायदा होगा, चीजें आसान लगेंगी हमें, नहीं हमारा डर खत्म हो जाएगा, एक तो ये ऊटपटंग बोलना ही खत्म हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर है, सीधा सीधा बोलेंगे अपन लोग कितना टू एन पाई प्लस पाई बाय टू, क्लिक करें है ना, ये अच्छा लगता है ना। अच्छा अब आप में से कई लोगों के मन में एक बात आती है, क्या आती है, सर ये दोनों सेम रिजल्ट देंगे क्या, हाँ सेम देंगे, आप रख के देख लो, एन इज इक्वल टू जीरो पे कितना दे रहे फाइव बाई टू, अब एन इज इक्वल टू जीरो रखता हूं, रखू एन इज इक्वल टू जीरो रखते ये वाली पार्टी निपट गई, माइनस वन की पावर जीरो वन क्या रह गया पाई बाय टू, वही आया एन इज इक्वल टू जीरो पे पाई बाय टू, अब एन इज इक्वल टू वन रख के और फाइनल कर देना, एन इज इक्वल टू वन रखता हूं कितना आया टू पाई प्लस पाई बाय टू, राइट भाई, अच्छा टू पाई प्लस पाई बाय टू, अगर मैं एन इज इक्वल टू वन रखता हूं तो ये कितना हो गया पाई माइनस पाई बाय टू, ये पिछले वाले एंगल में चला गया, अब एन इज इक्वल टू टू रखता हूं, टू रखते कितना आया टू पाई प्लस पाई बाय टू, ये वही आ गया देखो उसी जगह, नहीं आया समझ में, टू पाई प्लस पाई बाय टू क्लिक करा के नहीं करा, इसका मतलब ये है कि ये कैसे नाचता है, ये इधर और उधर, एक इधर थ्रो करता है एक उधर थ्रो करता है, जबकि ये कैसे थ्रो करता है वन साइड थ्रो, पॉजिटिव के लिए इधर इधर, नेगेटिव के लिए उधर उधर, सही है ना, दोनों एक ही हैं,
अंदर से देखेंगे तो आपको बाद में पता चलेगा दोनों एक ही है, 2n पाई प्लस पाई बाय 2 और 2n पाई माइनस पाई बाय 2, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, चलो आगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करता हूं। हाँ, कौन? नहीं 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 नहीं, अरे देखो फिर इसको भी लिख देते ना, ये है ना, लिख लीजिएगा, काम की बात है ना। इसके नीचे जो यहां लिखना है ना, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना। दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू ऑल, ठीक है ना, टू ऑल इजी एंगल। ये कल वाला देखो अलार्म, याद है ना, है ना, कंफर्म हो गया ये, मतलब अब ये रोज 6:23 बचे। ठीक है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू ऑल, ठीक है ना, इजी एंगल्स। ठीक है, इजी एंगल्स कौन कौन से, ठीक है ना। हाँ, मैं इसको भी बोल देता हूं, जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू कितना, साइन एक्स इज इक्वल टू 1, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर कौन सा वाला, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 और कॉस एक्स इज इक्वल टू, नहीं कॉस एक्स की क्यों बात करें, कॉस एक्स वैसे ही बेचारा बहुत इजी होता है, याद है ना, कॉस एक्स कैसे इजी होता है, 2n पाई प्लस माइनस बेचारा वैसे ही बहुत सुखी है, है ना, हमारा लफड़ा तो सारा साइन में, अच्छा नहीं लगता बोलने में भी। ठीक है, अच्छा ये तो मिटा दूं अब। हाँ, और अपनी शीट है ना वो गंदा खेलती है, वो ये देते देते ये देने लगती है, पता है, सारे आंसर इस फॉर्मेट में देती है वो। हाँ, इससे ये आ सकता है, लेकिन इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना, एक इधर देगा एक उधर देगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकता, देखो कांस्टेंट, ये अगर मैंने पाई कॉमन ले लिया तो 4n प्लस 1, 4n माइनस 1 पाई बाय 2 देना चालू, राइट है ना। हाँ नहीं, चारों थोड़ी ना हुए इसमें, हाँ यही हुआ, यही तो हुआ, 4n प्लस 1 हो गया ना, देखो गौर से, पाई कॉमन लेते हैं 4n प्लस 1 है, एलसीएम लेते हैं ना। हाँ, अब अगले पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहता है कॉस 4x प्लस कितना 6 इज इक्वल टू, में कितना दे रखा है 7 इंटू में कॉस 2x, डू इट। ठीक है भाई, कॉस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू में 7 कॉस 2x, रेडी। रास्ता बता देता हूं, ये जो कॉस 4x है ना, इसको कॉस 2x में बदलो, नहीं दूर दूर तक नहीं, सी एन डी भी लगेगा कैसे, इधर इसके आगे 1 है, उसके आगे 7 है, कहानी रुक जाएगी आपकी, वो फिर बाद में वो 6 रो देगा। हाँ भाई, ये अगर आपसे नहीं हो रहा, ठीक है, आपका पहला स्टेप ही डिसाइड कर देगा। हुआ नहीं, देखो जरा, ये इतना सा बात याद रखना है कि cos 2x is equal to होता है 2 cos square x minus 1, याद आया, तो सोचो जरा, जिस दिन cos 4x होगा उस दिन क्या बनेगा, 2 cos square कितना 2x minus 1 होगा कि नहीं होगा, तो देखो इस तरह से cos 4x को cos 2x में बदला जाता है। अब मैं लिख रहा हूं, देखो जरा ध्यान से लिख रहा हूं, 2 cos square क्या लिखा है अंदर 2x, cos 4x की जगह क्या लिखा है 2 cos square 2x minus 1, दिखा नहीं आया समझ में, मैंने cos square 2x लिखा है, माइनस 1 कर दिया, प्लस में कितना दिख रहा है 6 इज इक्वल टू में 7, इसकी जगह क्या लिखूं, इसकी जगह क्या लिखूं, c, मात्र c, याद है ना, मैंने c इज इक्वल टू में क्या लिया, cos 2x लिया, cos x नहीं लिया, नहीं आ रहा, ये फंडा ये यहां लिख दिया मैंने ताकि आपको याद रहे कि cos 4x की जगह क्या प्रयोग कर लिया, 2 cos square 2x minus 1, है ना भाई। अच्छा अब जरा इसको देखें, जरा ये कितना हो गया 2 cos square, राइट है,
ये 7c को मैंने इधर उचका दिया, अच्छा माइनस वन और सिक्स कितना हो गया भाई, प्लस का कितना फाइव, इक्वल टू में कितना जीरो, बताओ इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी टेन, सात के टुकड़े करो दो फाइव और टू, राइट है ना भाई। तो अगर देखा था तो अपन लोगों ने कितना कर दिया, टू सी स्क्वायर माइनस में कितना फाइव सी, सॉरी टू सी, ठीक है माइनस का कितना फाइव सी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, राइट है। उम्मीद है एक तरफ तो आपको टू सी कॉमन आता दिख गया, एक तरफ आपको सी कॉमन आता दिख गया, एक तो 100% सी माइनस वन हो गया और एक तरफ माइनस फाइव हो गया, इक्वल टू कितना हो गया जीरो, नहीं आया यहां तक की बात पकड़ में आई। अच्छा बताओ इससे सी की वैल्यू कितनी आ रही है, फाइव बाई टू, बहुत बढ़िया, और इधर से सी की वैल्यू कितनी आ रही है वन। अब जल्दी से बता दो सी कौन था, सी कौन था कॉस टू एक्स, तो कॉस टू एक्स इज़ कितना हो गया वन। अच्छा अब कौन बताएगा कॉस टू एक्स इज़ वन, कॉस टू एक्स इज़ वन बोलो टू एन पाई। अच्छा तुम बताओ ये कैप 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 है ना, कॉस टू एक्स इज़ वन कब, बैठे 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 ना इसमें क्या, अरे बैठ बैठ बैठ, हाँ भाई आ गई कितना टू एन पाई, राइट है ना, कॉस एक्स इज इक्वल टू वन कब टू एन पाई पे, तो यहां पे कितना लिख दू ना टू एक्स इज इक्वल टू कितना टू एन पाई। थोड़ा सा कोशिश करा करो कि आप मेरे साथ रहो, है ना भाई, आप थोड़ा इधर उधर चले गए थे थोड़ी सी देर के लिए, है ना, टू एक्स इज इक्वल टू कितना टू एन पाई, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ एन पाई, बिल्कुल डेडलीएस्ट याद रखो एक्स इज इक्वल टू एन पाई, है ना, लेकिन बीच में और चल रहा है, इधर आ जाओ जल्दी से समझाओ मेरे को जरा, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू कितना फाइव बाई टू। अच्छा आपको पता है कॉस टू एक्स की ज्यादा से ज्यादा औकात कितनी है वन, तो पांच बटा दो माने तो ढाई होता भाई, बात बंद कर दूं सटो, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 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 कॉपी कर ले आप, है ना, जिन्होंने कर लिया ठीक है, तब तक अपन है ना छोटा छोटा खेल खेलते हैं, है ना, कौन बताएगा इसमें अगर सॉल्यूशन आया तो इससे आया कि इससे आया, इससे आया। अच्छा कोई बताएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने हुए, दो होंगे कंफर्म, है ना, मन की आंखों से देखना, मन की आंखों से एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ एन पाई, राइट है एन पाई, बहुत ध्यान से समझना, पहला सॉल्यूशन एन इज इक्वल टू जीरो पे जीरो पकड़ो, जीरो कितने दे दिए मैंने आपको एक सॉल्यूशन, दूसरा एन इज इक्वल टू वन पे कितना पाई, तीसरा टू पाई, क्या टू पाई नहीं आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा, जीरो से टू पाई में टू पाई खुद भी शामिल है, अरे नहीं आया समझ में, अरे टू पाई क्लोज है क्लोज, कितने सॉल्यूशन हुए तीन, नहीं आया, तीन प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुए लिख लेना, ठीक है ना, हाँ तीन प्रिंसिपल सॉल्यूशन लोगों को बिल्कुल, मैं बता रहा हूं अपन ये गारंटी सभी कराएंगे, लेकिन अपन उससे आगे सोच रहे हैं, हम कौन कौन से प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताए आप लोगों ने, जीरो पाई और टू पाई, लोगों ने ध्यान से सुना मुझे, जीरो पाई टू पाई कैसे आया था बताओ, क्या क्या करके आया था, जीरो वन टू रख रख करके आ गया था, आ गया कि नहीं आ गया, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अगला क्वेश्चन आइए, ठीक है जीरो पाई एंड टू पाई, रेडी अगला लिखिएगा, अगला क्वेश्चन है फाइव टेन टू द बार फोर एक्स और माइनस में दे रखा है कितना सेक टू द बार फोर एक्स इज इक्वल टू में कितना ट्वेंटी नाइन, हाँ भाई इज इक्वल टू में कितना ट्वेंटी नाइन, ठीक है अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, साइन कॉस ना पहले एक मिनट रुको, इससे पहले आज के दिन अपन ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक टेन थीटा था एक साइन टू थीटा था, था कि नहीं था, याद है अपने साइन टू थीटा देखे कितने लोगों को याद है क्या लिखा था, एक मिनट एक मिनट तुम बताओ साइन टू थीटा की जगह अपने टेन थीटा में कैसे बदला था बेटा, हाँ बोलना, अरे इधर टेढ़ा थोड़ी देखता हूँ, हाँ, अरे नीचे तू तो बैठा, हाँ ये बीच वाला, अरे तुमसे ठीक पीछे वाला, तुमसे आगे वाला, यार ये क्या कवाली वाले थोड़ी चल रहे हैं, है कि नहीं सुर हो इधर जा रहा हो, हाँ बोलो क्या वन प्लस टेन स्क्वायर दे रहा, हमेशा की तरह मैं ना चैंपियन बैठ जा, ठीक है यहाँ कई लोगों का तो मेरे को पक्का यकीन होता है काम करते हैं ये लोग, एक ही बार तेने गड़बड़ करी थी बस, याद है ना एक बार मैंने तेरे को गड़ा दिया था, मैं तो उलझ गया था, मैंने कहा यार मैं तो सही आदमी में दांव लगाता हूं, इस बार तेने वापस लाज रखी, ठीक है अच्छी बात और कैरी ऑन, ठीक है हाँ भाई याद है, तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर टेन थीटा और साइन थीटा है
तो कोशिश करिए हमने साइन को किसमें बदला, 10 में। क्या आपको लगता है इस समय 10 और ये sec है, क्या sec को 10 में बदलना आता है किसी को? अच्छा कितना हुआ था, एक सेकंड, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो हम यहां अपने मन की आंखों से देख सकते हैं कितना, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सर ये स्क्वायर क्यों लगाया, 4 हो जाएगा सही ना, और यहां पे कितना हो जाएगा 5 टी की पावर 4 और इज इक्वल टू में कितना है 29। क्या कहते हो, लग जाओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको खोलना आता है, मदद की तो जरूरत नहीं सरकारी, जल्दी कोशिश करो खत्म करो। अरे वाह, कॉन्जुगेट बोले तो हाँ भाई, अगर देखा जाए तो कई बच्चों को यहां 4t की पावर 4 दिख चुका है ना। हाँ ये बताने की बातें नहीं होती, ये तो कुछ गुप्त बातें हैं जो हम लोग संभाल के रखते हैं कि 4 कैसे हो गया, ठीक है। अच्छा माइनस के अंदर कितना है, 2t स्क्वायर दिख गया होगा। yes, कितने लोगों को एक माइनस वन आता दिख गया, माइनस वन दिख गया, 29 इधर आते कितना हो गया माइनस का 30। बेहतरीन, तो सबसे पहला काम करो वो जो हम करते हैं 2 से डिवाइड, 2 तो हटा दो भाई, कम से कम चीजें आसान तो दिखेंगी। 2t की पावर 4 माइनस में कितना, टी स्क्वायर माइनस में कितना 30, इक्वल टू में कितना 0। अच्छा 15 कर देते हैं। अच्छा लेकिन एक दिन 15 करवाते करवाते ये भी तो पक्का कर दो कि 15 और इसकी मल्टीप्लाई 30, याद है 6 और 5 दिख गया अब आपको, है ना। तो यहां कितना लिख दूं, 2t की पावर 4 माइनस में कितना 6t स्क्वायर प्लस में कितना 5t स्क्वायर प्लस में माइनस में कितना 15 इक्वल टू 0। नाउ डू इट, फैक्टराइज करो। क्या आपको ये बात भाषा समझ में आ रही है, किसी को बुरी तो नहीं लग रही, मैं टीम में खेलता हूं तो, है ना, उल्टा आसान, ये एक दो बार है ना करते ही आपको आसान लगने लगेगी। करें आगे किया है, यहीं छोड़ दिया आपने भी। अच्छा एक ब्रैकेट तो मेरे को दिखने लग गया, 2t है, 2t का स्क्वायर हो गया। अच्छा दूसरा ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट हो गया टी स्क्वायर माइनस 3, राइट है भाई, इक्वल टू 0, और ये हो गया 2t स्क्वायर प्लस 5। क्या ख्याल है, नहीं आया? अरे आपने मेरे से, मैं आपसे पहले चल रहा हूं पता है, रुक रुक करके इसे हो गया क्या। अच्छा इसे टी इक्वल टू 0 इसको रखा, ये भी इक्वल टू 0 रखा, आपको पता है ये टी स्क्वायर इक्वल टू कितना दे देगा, माइनस का 5/2 दे देगा। अच्छा और ये टी स्क्वायर इक्वल टू कितना दे डालेगा, 3, राइट है। रुकना 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 रुकना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मना कर दूं। अच्छा अब जरा मन की आंखों से देखना और सोच के बताना, ये कितना दिख रहा है 10 स्क्वायर x, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सोचना जरा, ये 3 अगर ये स्क्वायर है, ये 3 को अब ये मत कर देना प्लस माइनस √3, कुछ गलती नहीं करना। अगर एक जना स्क्वायर में हो तो कोशिश करो मन की आंखों से देखो किसका स्क्वायर है, ये √3 का स्क्वायर। अब सोचो 10 में √3 कहां आता है, 10 में √3 कितने डिग्री, 60 डिग्री, याद है ना 60 डिग्री, 10 60 कितना होता है √3, तो ये अपने आप में लिखा 10 स्क्वायर 60, याद आ गया। अब 60 को भी जरा इज्जत वाली नजरों से देख ले, 5/3, यहां तक पकड़ में आई कि नहीं आई बात। अब जरा मन क्या को सोच के बताओ, 10 स्क्वायर x = 10 स्क्वायर α, x = nπ प्लस माइनस α, सिर्फ प्लस, श्योर है आप, सोच लेना, प्लस लॉक कर दूं, ठीक है मैं लिख रहा हूं, है ना, मैं लिख रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, x = में कितना nπ, तब तक कुछ पन्ने पलटने के वजह, ठीक है, nπ प्लस 5/3, मुझे पूरा यकीन है। हाँ आई आवाजें है कि नहीं, मैंने तो फार्मूला सही बोला अकेले ने और आप सब लुढ़क गए। मैंने आपको क्या कहा था जब मैंने शुरू करा था चैप्टर, मैंने कहा था ये भयंकर कंफ्यूजन होगा आपको, nπ प्लस α कब काम आएगा 10 में, और स्क्वायर के केस में हमेशा प्लस माइनस, याद रखना दो जगह प्लस माइनस काम आता है, एक तो कॉस में, एक स्क्वायर के केस में, है कि नहीं। कितने लोगों ने यहां कुछ सीखा, कुछ सीखा क्या, क्या सीखा, अंडरूट मत करना गलती से भी, पकड़ में आ गई कि नहीं आई बात, अंडरूट नहीं काटना, ये चीज लर्न कर रहे हैं, लर्न, ठीक है। हाँ अगला, अगले पॉइंट पे आ रहा हूं, ठीक है, अरे वाह, हाँ भाई अगला पॉइंट क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, है ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बंद, है ना।
अभी इससे पहले कि मैं एक सेकंड मैं अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले जब तक सारे लोग इसको कॉपी कर रहे हैं ना तब तक वही अपना अपना काम करते हैं क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ जरा इसमें एक तो आंसर ही जवाब नहीं दे रहा याद है ना अच्छा इस वाले के प्रिंसिपल सॉल्यूशन सोच रहे हैं पलो एक मिनट आंसर है एन पाई प्लस माइनस पाई बाय थ्री पहले पुट करता हूं एन की जगह पे कितना जीरो जीरो रखने पे कितने आंसर आ रहे हैं दो कौन कौन से प्लस फाइव बाय थ्री और माइनस फाइव बाय थ्री माइनस फाइव बाय थ्री लू क्योंकि वो तो जीरो के इधर पड़ गया प्लस का फाइव बाय थ्री एक सॉल्यूशन देख लो तो पहला सॉल्यूशन मेरे लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन है पहला सॉल्यूशन है फाइव बाय थ्री रेडी अगला एन की जगह कितना रखू वन वन रखते ही कितना हो गया पाई पाई प्लस फाइव बाय थ्री और पाई माइनस फाइव बाय थ्री दोनों लूंगा टू पाई के अंदर अंदर खेल रहा हूं मैं देखना मन की आंखों से देखना टू पाई के अंदर अंदर खेल रहा हूं पाई प्लस फाइव बाय थ्री पाई माइनस फाइव बाय थ्री 180 प्लस 60 180 माइनस 60 दोनों ही 360 में आ रहे हैं राइट है तो पाई प्लस माइनस फाइव बाय थ्री पाई प्लस फाइव बाय थ्री एक ठीक है और पाई माइनस फाइव बाय थ्री दो राइट है अच्छा मान लीजिए किसी बच्चे को मेरे बोले समझ में नहीं आया वो मेरे तो सिर्फ सुर मिला के चला गया घर घर जाते ही पहला काम खाना खाते ही आराम आराम के तुरंत बाद ये सोच लेना कि इसके अंदर ये सर ने क्यों बोला जीरो तो 360 के अंदर अंदर आंसर आने चाहिए चैप्टर हाथों हाथ पक्का कर देना पक्का ठीक है अच्छा अब एन की जगह कितना रख रहा हूं टू टू रखते क्या पढ़ने वाले टू पाई प्लस फाइव बाई थ्री और टू पाई माइनस फाइव बाई थ्री प्लस लू या नहीं लू सिर्फ माइनस ले रहा हूं टू पाई माइनस फाइव बाई थ्री कितने सोल्यूशन हुए चार सोल्यूशन लिख लेना फोर प्रिंसिपल सोल्यूशन है ना अच्छा अगला क्वेश्चन ठीक है अगला क्वेश्चन गोइंग विद अनदर टाइटल टी थ्री ठीक है टाइप थ्री ठीक है लिख लीजिएगा सॉल्विंग बाय ठीक है ना इंट्रोड्यूसिंग ठीक है ना एन ऑक्सिलरी सॉल्विंग बाय एन ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट ठीक है अच्छा सॉल्विंग बाय ना ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट क्या चीज है वो भी बताता हूं देखो जरा इसकी कहानी क्या है ना ये ऐसा ये लिख दिया सो लिख दिया ठीक है ना अब अपन तो हिंदुस्तानी बातें करते हैं ये सारी काम अपने को हवा लगने वाली है सॉल्विंग बाय इंट्रोड्यूसिंग दैट दुट है ना ये हो ही नहीं है आधे बच्चे तो ये नहीं समझ पाएंगे आर्ग्यूमेंट क्या पंगा है राइट है ना अच्छा अब मुद्दे की बात करते हैं पॉइंट नंबर दो ठीक है ये तो मजाक था ठीक है आगे की बात है ना अपने लिए क्या ना क्वेश्चन ऑफ ठीक है ना ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी टाइप ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन हमारे लिए थर्ड टाइप का क्वेश्चंस बना रहे हैं राइट है अच्छा अब आगे की बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर दिमाग लगा रहे हैं रेडी अच्छा अब इसके अंदर है ना जिन बच्चों को ये याद है उनको दो बातें याद दिलाता हूं जो हम पढ़ चुके हैं कहीं पहली चीज जो आपको याद दिलानी है ना याद दिलानी है जो पुराना है पुराना पहला हम लोग क्या करते थे ऐसे को सॉल्व करने के लिए हमेशा अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई और उसी का डिवाइड करते थे याद आया नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए तो लिख लेते हैं ठीक है ना फॉर सॉल्विंग ठीक है ना सच इक्वेशंस ठीक है ना वी नॉर्मली डिवाइड ठीक है एंड मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ठीक है ना बाय रूट ओवर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते थे ना अच्छा ये हमारे को पहले से पता है ये हम पढ़ चुके हैं आगे कहीं आप अपनी कॉपी गंगा लेंगे दिख जाएगा है ना क्योंकि हमने इसकी रेंज भी पढ़ी है किसी किसी को याद होगा तो याद है कितने को रेंज ध्यान है इसकी रेंज कितने को ध्यान है माइनस अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर याद आ गया ना वो रेंज जब अपन ने प्रूव करी थी ना तुम ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज हुए थे याद है तुम कोहरा मचा रहे हो हवा ही नहीं लग रही क्या हो रहा है ना ये वही जगह है ना जब समझ में आया तो अच्छे से समझ में आ गया था है ना ये वही जगह है अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना इसमें मस्ट है सही है ना अच्छा खैर मुद्दे की बात करते हैं ये जो अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना ये वाली पार्टी कहलाती है आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट जो ऊपर लिखा है ये लिखा ना ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट तो पहले तो आप ये पकड़ लो कि ये कौन है तो मतलब ये कि ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें हम अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
राइट है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए इनका नाम ऐसा रख दिया गया। फिलहाल हमारे लिए तो हिंदी की बातें, जहां क्वेश्चन के अंदर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिख गया, तुरंत प्रभाव से खटखट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग लगा देना, खत्म बात, ठीक है ना, डिवाइड कर देना। अब जरा ध्यान से इसके आगे की बातें पकड़ते हैं, यहां तक की बात में तो कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने मेरे को बताई वो भी है ना, क्या रेंज, ठीक है ना, रेंज ऑफ, वो भी मैं याद दिला देता हूं, ए साइन थीटा प्लस में कहता ना ना, देखो अब देखो 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 देखो, मैंने रोक लिया अपने आपको, भारी मिस्टेक, एक कॉस थीटा ही रखना आगे काम आएगा, कॉस थीटा के साथ वाले को ए मानना है, इधर उधर गड़बड़ करते सब बिखर जाएगा आगे जाके, कहीं आगे जाके, अभी आईटी में नहीं बिखरेगा है ना, उसके आगे के क्वेश्चन से सब बिखरना चालू हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब अपनी शीट के थोड़ा सा बियॉन्ड देना वहां लफड़ा कर देगा बुरी तरह से, है ना, बिलकना चालू कर देगा। तो ए कॉस थीटा प्लस में कितना, बी साइन थीटा, इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, रेंज रेंज इज बिलोंगिंग फ्रॉम कितना, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद आ गया ना, ये इसकी रेंज होती है, जरा ध्यान से याद, पहले ये कॉपी कर लो यहां तक तो, ठीक है, उसके बाद आगे की बात करता हूं, और अगर कॉपी कर चुके तो मुझे आगे जाने की इजाजत देते रहो, आगे चल रहे हैं भाई, है ना। अच्छा, ठीक है, हाँ भाई, तो उम्मीद है कि आपको ये तो पकड़ में आ गया कि आर्ग्यूमेंट कौन है। अब मैं आपको दिखाता हूं सॉल्व कैसे करना है, रेडी, अच्छा चलिए आगे की बात करते हैं, आगे की है ना, हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, वैसे आपको पता नहीं है हिंदी में नल को कली तो कहते थे, अगर मैं गलत नहीं होता है ना, मैं तो बाद में समझ में, मैंने ये क्या है कल, हाँ कल है ना, कल माने मशीन होता है वैसे बेसिकली, तो किसी टाइम पे तो फर्स्ट मशीन जो थी ना, फर्स्ट मशीन वो हैंडपंप हुआ करती थी, इस कारण लोगों ने उस नल को कल कह दिया, और उस कल की वजह से ही नल हो गया, पता नहीं अब जो भी है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए साहब, पहला क्वेश्चन जरूर लिख रहा हूं, लेकिन एक एक बात ध्यान से लिख लेना, ताकि आप जब दोबारा पढ़े तो नोट बोलने लग जाए मेरे, ठीक है ना। क्वेश्चन में दे दिया किसी ने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना, रूट टू, ठीक है ना, कहता फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, राइट है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, अगर भाई दीदी इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो देखिए साहब, पहले सबसे पहले ना, ठीक है, इसमें पहला पॉइंट यहां लिख देता हूं, यहां पहले, ठीक है ना, चेक कर लें, ठीक है, पहले चेक क्या करना है, दैट LHS, ठीक है ना, हैज कैपेबिलिटी टू इक्वेट RHS, पहले तय कर लो, ठीक है, कि LHS की हिम्मत है इसके बराबर जाने की, कल को उसकी हैसियत ही नहीं है, जैसे कैसे हैसियत नहीं है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, पहले ये बता रहा हूं मैं, ना करो ना, नोट्स बोल पड़ेंगे आपको, अपने आप ही दिख जाएगा। पहली चीज, मान लो कल को क्वेश्चन होता साइन एक्स प्लस कितना, कॉस एक्स इज इक्वल टू टू, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, तो आपको ये पता होना चाहिए था, आज के दिन जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है ना, इसका ए, ए की वैल्यू कितनी है वन, और बी की वैल्यू कितनी है इसके आगे वन, अब जरा सोचो इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज है माइनस रूट टू से लेकर के रूट टू तक, हाँ या ना, रूट टू का मतलब 1.41, माने टॉप से टॉप कितना जा सकता है, 1.41 जा सकता है, अगर ये 1.41 जा सकता है तो ये इक्वल टू टू हो ही नहीं सकता, नहीं आया समझ में, इसकी ज्यादा से ज्यादा हैसियत है रूट टू तक जाने की, पकड़ में आई कि नहीं आई वाली बात, इसका मतलब ये कि कभी जिंदगी में टू नहीं हो सकता। मान लो अगर क्वेश्चन में यहां इक्वल टू टू होता, ये अगर इक्वल टू टू होता तो आपको मना करना पड़ता था, नो सॉल्यूशन, खत्म, बात पकड़ में आ गई कि नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है, एज रेंज बिलोंग्स टू दिस, लिख लेना। सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि क्वेश्चन में मैं एकदम से जंप कर दूं या ना करूं, बात पकड़ में आ गई नहीं आई, आगे ना। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, तो फिलहाल एक सेकंड, इसकी रेंज कहां से कहां तक है, माइनस रूट टू से रूट टू, तो टॉप से टॉप कितना दे सकता है, रूट टू, तो कहीं तो रूट टू देगा ही ना, ये तो फिजिबल है,
अच्छा अगर ये फिजिबल है तो सुनना, अब मैं आपसे पहला 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 टाइटल सुनना, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो तुरंत प्रभाव से इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हुआ इसका? रूट टू। रूट टू से डिवाइड कर दो पूरे को। क्या कर दो? रूट टू से डिवाइड पूरे को। नहीं आया समझ में? इधर भी और इधर भी बैलेंस हो जाएगा। नहीं आया? इधर भी रूट टू से डिवाइड, इधर भी रूट टू से डिवाइड, बैलेंस हो गया ना, इक्वल इक्वल कट जाएगा। तो मैंने एक साथ दोनों में डिवाइड कर दिया। अगर मैंने रूट टू से डिवाइड कर दिया तो दुनिया को दिखने लग गया वन बाई रूट टू इंटू में कितना साइन एक्स, प्लस में कितना वन अपन रूट टू इंटू में कितना कॉस एक्स, इज इक्वल टू में कितना वन। दिख गया? अच्छा आप जल्दी से मन की आंखों से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। ये मैं लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं कॉस 45 डिग्री। सोचो लिख गया, इसको मैं लिख रहा हूं साइन 45। लिख दूं? अब मन की आंखों से देखो, देखो कॉस एक्स इंटू में कॉस 45 प्लस साइन एक्स इंटू में साइन 45। क्या पकड़ना है? मैंने देखो मैं क्या बोला, मैंने बोला कॉस एक्स इंटू में कितना कॉस 45, ठीक है ना, प्लस में कितना साइन एक्स इंटू में कितना साइन 45। दिखा गया नहीं दिखा? इज इक्वल टू कितना वन। अब जरा सोच के जवाब दो, ये कौन है? कॉस ए प्लस कॉस बी, सॉरी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कितना था? कॉस ए माइनस बी, माने एक्स माइनस पाई बाय फोर, माइनस या प्लस? माइनस। और इज इक्वल टू में कितना वन। अच्छा एक मिनट, ये थीटा है, क्या लिखा है? थीटा। क्या पढ़ना मेरा? कॉस थीटा इज इक्वल टू वन। एक मिनट एक मिनट, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन है कितना? टू एन पाई। कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बोले तो टू एन पाई। तो आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो एक्स माइनस पाई बाय फोर इज इक्वल टू कितना? टू एन पाई। बेहतरीन, राइट है। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? टू एन पाई प्लस फाइव बाय फोर। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन बहुत छोटा होता है, बस आपको याद दिलाना फर्स्ट टाइटल था इसलिए थोड़ा सा समझदारी से खेलना है, ठीक है? ध्यान से है ना, मुश्किल है नहीं है? दो तीन क्वेश्चन करते हैं आपको आदत हो जाएगी। और अपन तो ये इस पे तो बहुत ऊपर स्किल लगता है, अच्छा नोड लगता है, अच्छा नोड, ठीक है? अगले पास जाओ तुरंत। करें बात, ठीक है? ये लिख देना यहां पे, है ना, ये जगह लिख देना डिवाइडिंग बाई। ये कौन है? ये रूट टू कौन है? किसी को ध्यान है नाम इसका? ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट, डिवाइडिंग बाई ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट, है ना भाई? लिख लेना ताकि काम आ जाएगा, डिवाइडिंग बाई ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट, ठीक है? अगला प्रसंग आपके लिए है, आगे तो समझिए, डिवाइडिंग बाई ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट, ठीक है? आप ए और बी पकड़ पाते हैं? हाँ या ना? ए कौन है? कॉस का कोफिशियंट, और बी कौन है? साइन का कोफिशियंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा जल्दी से समझाना, क्वेश्चन दे रखा है कितना? रूट थ्री कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स। इससे पहले कि मैं आगे लिखूं, पहले मेरे को बताओ ए की वैल्यू बोलो, रूट थ्री। बी की वैल्यू बोलो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलो। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर बोले तो अंडर रूट फोर बोले तो टू। तो ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट कितना हुआ? टू। माने इस तरह क्वेश्चन में टू से डिवाइड करके स्टार्ट करूंगा। तो इज इक्वल टू कितना लिखा है? टू ही लिखा है, नहीं आया? आर्ग्यूमेंट के बराबर ही आ रहा है, माने पॉसिबल है, कर दो। किसे डिवाइड करोगे? पूरी कहानी को टू से डिवाइड। क्विक लिखो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसका आंसर था? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी क्विक, वेरी गुड एंड वेरी क्विक। है ना, भाई आपके ऑलमोस्ट बराबर ही दौड़ रहा हूं मैं। मैंने टू से डिवाइड करा है और मेरे को पता है कि रूट थ्री बाई टू कितना होता है? कॉस फाइव बाई सिक्स होता है। और इधर वन बाई टू को मैंने लिखा साइन फाइव बाई सिक्स। किसको पता है फॉर्मूला किसका? प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? माइनस। तो क्या लिखूंगा बोलो? कॉस एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू कितना? वन। याद है ना कॉस क्या पढ़ने वाला है? कॉस थीटा। ये क्या पढ़ना है? कॉस थीटा इज इक्वल टू वन। कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बोले तो
थीटा इज इक्वल टू एन टू एन पाई, तो मैं यहां पे कितना लिख दूंगा, एक्स माइनस में कितना पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू टू एन पाई, फाइनली मेरा आंसर कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना टू एन पाई प्लस पाई बाय सिक्स, हो गया कि नहीं हो गया, ये एक है ना, अगले पे चल रहा हूं तुरंत नेक्स्ट, ठीक है, कोई मेरे को बताएगा इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने हुए, पहला तो हो गया ये प्लस माइनस प्लस ही है ना, हाँ एक तो पाई बाय सिक्स हो गया और दूसरा एक ही हुआ, एक ही सॉल्यूशन है पाई बाय सिक्स है ना, दैट इज फिजिबल, ठीक है नहीं है, है ना, अच्छा ये तो आसान चीज है, गुड है, अच्छा 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 सही भाई, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन में देखा है sec x माइनस वन, ठीक है रिजल्ट में देखा रूट टू माइनस वन इंटू में कितना टेन एक्स, याद है आज के दिन अपन ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें sec भी था और tan भी था, हम लोगों ने क्या करा था sec को tan में बदल दिया था, लेकिन अब तो ये sec स्क्वायर भी नहीं है जिसको आप 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दो, तो sec को tan में कैसे बदलोगे, हाफ एंगल, हाफ एंगल में खेल जाओ, हाफ एंगल में नहीं आया समझ में आ गया, हाफ एंगल, हाफ एंगल में खेल जाओ ना, अरे भूल गए क्या, sec x का मतलब कितना हो गया 1 अपॉन cos x है ना भाई, मन क्या करो देखना कितना दिख रहा है 1 अपॉन cos x माइनस 1 इज इक्वल टू में रूट टू माइनस वन, किसी को ध्यान है रूट टू माइनस वन कितना होता है 10 10 15 डिग्री है ना, 10 15 डिग्री याद रखना है, ये चीज भूलना नहीं अब है ना, रूट टू माइनस वन इंटू में इस 10 एक्स को भी देखो, इसको एक बार के लिए फॉर द टाइम भी 10 एक्स ही लिखा मैंने, ठीक है अच्छा यहां अब मैं लिखता हूं वो आप सोच के बताना, कितने लोगों को याद है कि cos x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, याद आया कि नहीं है, है ना, तो मैं इस जगह पे क्या लिखूं ना, देखो 1 अपॉन कॉस की जगह मैं क्या बोल रहा हूं 1 माइनस में कितना टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस वो ऊपर चला जाएगा कितना हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कह दू क्या, और पीछे कौन है माइनस 1 करेक्ट है कि नहीं, ये 10 में बदल गया, अच्छा इसको 10 में बदल दे करके ये भी मजबूर हो गया कि अब मैं भी हाफ एंगल में बदलूंगा, क्या ख्याल है बदल सकते हैं कि नहीं इसको, कौन बदलेगा बोलो 10 एक्स को हाफ एंगल में, बोलो बोलो टू बोलो ना कितना 10 x बाई टू बेहतरीन अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हुई ना बात, इज इक्वल टू में कितना चल रहा है रूट टू माइनस 1 उसको चुपचाप बैठा रखा कि बैठा रहे, ठीक है अच्छा 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 कितने लोगों को एलसीएम दिख गया, बोलो बोलो कितने लोगों को दिख गया एलसीएम, बोलो नीचे एलसीएम कितना है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, अच्छा कितने लोगों को ऊपर एलसीएम में क्या दिख रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस या प्लस, देखो ना इसको देख के बोलो माइनस या प्लस, प्लस 1 और 1 कट गया 10 और 10 कट के जुड़ के कितना हो गया 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, वेरी गुड, ठीक है अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, अभी तक बराबर जा रहे हो आप राइट है, अच्छा 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 इज इक्वल टू में कितना चल रहा है रूट टू माइनस 1, हाँ एक बच्चा मेरे को कह रहा था सर उधर भी कुछ है सही है, हाँ भाई इधर की तरफ अगर देखा जाए तो लॉजिक बताना, लॉजिक 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 रेडी, इधर की तरफ कितना लिखा है 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन में नीचे कितना, पहला काम कुछ सटसट की आवाज, काटने से पहले पक्का कर दूं, एक दिन काट दिया मैंने लेकिन काटते समय पक्का कर दूंगा, मिटा देंगे तो वापस सही हो जाएगा कोई चिंता नहीं, हाँ तो काटते समय कुछ पक्का करना होता था क्या, कि कहीं जीरो तो ना बने और नीचे जीरो बन गया तो हमें तकलीफ है अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब नीचे तो जीरो है ही नहीं, इसका मतलब मस्त काटो, याद आया कल वाला वापस आपको यूज याद दिला देता हूं, मैच पक्की कर रहा हूं राइट है, ऊपर की तरफ कितना दिख रहा है 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और इधर कितना दिख रहा है क्या सटसट या कॉमन कॉमन, तो इधर वाली पार्टी को इधर ले आऊं, अच्छा 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट धीरे धीरे ला रहा हूं मैं है ना, एक सेकेंड मैं कॉमन लाने के लिए ला रहा हूं, अच्छा कितने लोगों को दिख गया यहां कितना बचा 2 टेन स्क्वायर x by 2, बहुत धीरे धीरे सिखाओ मुझे, ठीक है माइनस 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 में कितना रूट टू माइनस 1 इंटू में कितना 2 डिवाइड डिवाइड क्या, अच्छा 2 tan x by 2 इज इक्वल टू में कितना 0, सही सही सही
अरे वो मैं कर दूंगा, वो मैं कर दूंगा, रूट टू मैं कर दूंगा। आप बस ये बताओ सबको उधर ले जाने पे ऐसा हुआ? कॉमन बताओ, कॉमन, क्योंकि अब आपके लिए ये तो अच्छे क्वेश्चन में माना जाता है क्या? 2 10x/2 बेहतरीन, मैं कॉमन ले रहा हूँ 2 10x/2। बताओ अंदर ही अंदर क्या बचा? 10x/2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। माइनस माइनस में कितना? रूट टू प्लस वन। हाँ सुनना है मेरे को एक एक बात आपसे, ये इक्वल टू जीरो। अब आपको दो चीजों का प्रोडक्ट दिख रहा है, कितना दिख रहा है? जीरो। दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो कह रहे हैं, मतलब या तो आगे वाले ने जीरो दिया होगा, कहने भाई या तो इसने जीरो दिया। अच्छा चलो इधर ले चलते हैं, इसका मतलब या तो किसने जीरो दे दिया, 10x/2 ने जीरो दिया, या क्या हुआ, या फिर 10x/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, या 10x/2 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? 10x/2 इज इक्वल टू कितना हो गया? रूट टू माइनस वन। हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा 10x/2 इज इक्वल टू हो गया कितना? रूट टू माइनस वन। अच्छा एक सेकंड, अभी किसी ने मेरे को बताया था ये कितना होता है? 10 π/8। एक बच्चे की आवाज आई, बहुत अच्छी आवाज आई, 10 π/8। ये सुनने के लिए तरस गया था, क्यों? क्योंकि बच्चा कह रहा था 10 15 डिग्री, 15 डिग्री 10 π/8 ही होता है। होता है क्या? श्योर है? नहीं मेरे हिसाब से नहीं होता। अब पलटो 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 पलटो, बोलो बोलो बोलो, 5/12। अच्छा अब ये भी श्योर करो कि 15 डिग्री होता है कि नहीं होता? 22.5 होता है क्या? रूट टू माइनस वन। सोचो 15 डिग्री नहीं होता है, नहीं होता है ना? याद दिलाता हूं, साइन 15 डिग्री। अब अपन एकदम से पुराना सारा खाता खोलते हैं मिला करके, क्योंकि जो पढ़े हैं उनको तो मैंने एक तरीका सिखाया था, याद है? पहला आदमी है ना ऊपर होता है √3 - 1/2 √2, याद है? अच्छा 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 अच्छा, अगले वाले में √4, ये होता था कितना? √5 - 1, याद है? अगला वाला होता था √10 - 2√5/4, फिर अगला आदमी होता था √5 + 1, बेहतरीन, √4, और यहां होता था कितना? अंडर रूट में कितना? 10 + 2√5/4, एंड सो ऑन, जो भी होता था, है ना? एक मिनट पहले इसको ये इसको याद दिलाता हूँ, ये कौन कौन थे, मैं भूलता जा रहा हूं, मेरे को याद आना चाहिए मेरे को। ये कौन? साइन 18, ये साइन 36, साइन 36, कॉस 18, साइन 36। अरे ये कुछ गड़बड़, ये इधर है, ये इधर है, इसको इधर महसूस करें। हाँ है ना, है ना, है ना, है ना, याद आ गया? हाँ अच्छा ये कौन है? ये साइन 15, साइन कॉस 15 कितना होता था? प्लस। अच्छा जिस दिन कॉस साइन 15 / cos 15 करता तो मेरा आंसर आना चाहिए, तो √3 - 1/√3 + 1। और छोटी मोटी मार पिटाई के बाद में, मतलब वो रेशनलाइजेशन वगैरह करके भी वो √3 के आसपास ही नाचता रहता। इसका मतलब ये कि ये 10 2.5 डिग्री ही है, ये 15 नहीं है, राइट है? मैंने धीरे धीरे याद दिला दिया बहुत सारी चीजों को पुरानी, ठीक है? अच्छा खैर है ना, इसमें भी आप ही की मदद थी। अच्छा आगे चलो, आगे आगे, ये कितना हो गया? 10 π/8 हो गया। अच्छा मैं भूल गया ये 10, अब ये वही पहले वाली बात, कौन यहां दिलाएगा? 10 θ = 0, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, तो यहां लिख दो x/2 इज इक्वल टू कितना? एन पाई, सॉरी एक्स इज इक्वल टू कितना? एन पाई, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 2n π, राइट है? एक आंसर, और दूसरा आंसर कितना हो जाएगा? x/2 इज इक्वल टू में कितना? एन पाई प्लस में कितना? 5/8, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 2n π + 5/4, राइट है? लिख लीजिएगा, ठीक है? एक सेकंड मेथड भी है इसका, उस पर कल चर्चा कर लेंगे, लेकिन पहले आज ये एक कॉपी कर लो, जरूरत पड़ेगी तो, है? अच्छा क्या रेगुलर जनरल हो गया? कॉपी कर लो फटाफट फटाफट। हाँ वो भी बात करते हैं, अभी सब बातें करते हैं ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका, एक तो 5/4 होगा, और बस एक तो ये दे गया, और ये वाली पार्टी दे देगी, 3 4 प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। 0 n π 0, नहीं सिर्फ 2, ये 2 ये देगा, अच्छा और 3 हुए सब मिला करके, 3 है ना? आ जाओ ठीक है। ये एक तरीका है जो अपन ने अभी करा, इसमें ना कई बार क्या क्वेश्चंस को करने का थोड़ा सा एक डिफरेंट साइकोलॉजी भी होती है, उसको समझना, ठीक है ना? इसी के अंदर एक सेकंड है ना स्टाइल भी है, एक दूसरा तरीका भी है, एक दूसरा मेथड भी है, ठीक है ना? एक साइन थीटा, मैं वापस आ जाऊंगा बहुत जल्दी इसमें, ठीक है ना? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी को लेकर के एक दूसरा तरीका भी है, जल्दी से समझना। ए कॉस थीटा प्लस में कितना? बी साइन थीटा, ठीक है ना? इज इक्वल टू सी टाइप क्वेश्चन के लिए। देखिए सर पहली चीज,
पहली चीज आपको ये पकड़ना है, ठीक है। अब आप दो को लेकर कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है ना। इट वर्क्स, ये पहली बात। तो ये काम कब करता है, जो अपन ने चेक किया था ना आज के दिन, मैंने आपको दिखा था किसकी रेंज जो है ना, वो इसके या तो रेंज के अंदर ये हो या इसके बराबर हो जाए। नहीं आया समझ में? अगर ये रेंज के बाहर है तो काम नहीं करेगा। तो याद रखना, इसी का दूसरा तरीका क्या है, इट वर्क्स व्हेन, ठीक है ना, सी अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, इज इन बिटवीन वन एंड माइनस वन, ठीक है। अब जो तेज दिमाग छोरा है उसका है ना ब्रेन स्टॉर्म करता हूं, सर आया कैसे। अगर आपने ताकत है तो देखो, मन की आंखों से देखो, पिछले दो एग्जाम्पल, दो नहीं, ये पिछला नहीं, इससे पिछले दो एग्जाम्पल, जो शुरू के दो एग्जाम्पल देना, यहां इससे यहां जो लिखा था वो दो एग्जाम्पल देखो आप। दोनों के अंदर अपन ने एक में बताया था कॉस एक्स माइनस पाई बाय फोर, पहले हाँ या ना भरो। देखो आप, जो अपना इसका पहला एग्जाम्पल था उसके अंदर अपन ने इधर एलएचएस को चेंज कर दिया था कॉस एक्स माइनस पाई फोर। सेकेंड एग्जाम्पल में अपन ने चेंज करा था कॉस एक्स माइनस पाई बाय सिक्स, बदला था कि नहीं बदला था। इसका मतलब ये कि ये वाला तो सेगमेंट है, ये हर बार हम किसमें बदल रहे हैं, कॉस में, किसमें बदल रहे हैं, कॉस में। और कॉस की हैसियत कितनी है, माइनस वन से वन, ये वो है। तो अच्छा, अब ये कॉस में बदलते कैसे थे, इसमें क्या करते थे, बिड़ते ही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिवाइड मारते थे, और इधर वाली पार्टी क्या बन जाती थी, कॉस। लेकिन इधर वाली पार्टी क्या बन चुकी थी, ये बनती थी, सोचो, नहीं ये बन चुकी होती थी, वो तो बाई चांस वन बनती थी। कि दो एग्जाम्पल लगातार ऐसे पड़ गए जिसमें इक्वल इक्वल डिवाइड हो गया, नहीं आया। अदरवाइज अगर देखा था ये कॉस थीटा और ये, इसका मतलब ये कि ये अगर कॉस के बराबर होना चाहता है तो इसे माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए, इसलिए लोग ये कहते हैं, एक बात। दूसरी बात तो मैं ऐसी बोलूंगा ना जिसमें आप में से कई लोगों के तो प्राण निकल जाए, प्राण, ठीक है ना। डायरेक्ट आंसर देने का तरीका, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, डायरेक्ट, ठीक है ना, क्या है डायरेक्ट मेथड सीखना। डायरेक्ट मेथड है x इक्वल टू में n pi प्लस में दे रखा माइनस वन की पावर n इंटू में साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर c अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस टेन इनवर्स ए बाई बी, राइट है भाई। अच्छा दूसरा क्या है ना, दूसरा ये तो आप क्वेश्चन वाला साइन में आंसर मांग ले, n pi में आंसर मांग ले, और दूसरा मेथड क्या है ना x इक्वल टू में, देखो फिर क्योंकि आप बातें कर रहे थे ना कल कि अपन बड़ी बातें सोच सकते हैं कि नहीं, तो उसमें बात कर रहा हूं मैं, टू एन पाई प्लस में प्लस माइनस कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है सी अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए। अब आपको पता होना चाहिए ए और बी में अगर जरा सा भी लोचा हो गया ना तो कुछ का कुछ लिख के आऊंगा मैं। सोचो अगर मैंने ए को कॉस के साथ नहीं निभने दिया, ठीक है ना, तो किसी ने कुछ भी ले लिया तो ए और बी ही फंसवाएगा सबसे पहले, ठीक है ना। ये दो ऐसे तरीके हैं जो डायरेक्ट रिजल्ट तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। कैसा लगा आपको ये, लिख लो, लिख लो, ठीक है ना, फोड़ू है ना, लिख लो, ठीक है ना। और ये तो है भी फोड़ू जानकारी वैसे भी, ठीक है ना भाई, बहुत ही काम की चीज है साहब, ठीक है ना। हाँ साहब, अगले पॉइंट के ऊपर बात करने, अगला पॉइंट पकड़े आप, हाँ बिल्कुल आप लिखो ये, ठीक है। जरा सी भी गड़बड़ हो गई ना, अच्छा कितने लोगों की याद हो गया, याद ऐसी चीज़ फ्लैश मेमोरी एकदम, क्योंकि आप उस लेवल पे फाइट मारना चाहते हो, फ्लैश मेमोरी होनी चाहिए, खट देखा याद, स्कोर्ड सर पक्का डन, किनारे करो याद हो गया, याद, फ्लैश मेमोरी। जो आईएसआरएस की तैयारी करते हैं ना साहब, उनकी आप मेमोरी देखा करो, जो अच्छे होता ना, अच्छे खिलाड़ी उनको। अब देखिए साहब, इसका फायदा क्या होता है ना, अनुपम फायदे, करोड़ों के है ना। देखो कैसे है ना, जैसे मान लो कल को क्वेश्चन में दे दिया सिक्स साइन एक्स प्लस में दे दिया सेवन कॉस एक्स इजिकल टू में एट दे दिया, ठीक है ना भाई। और जैसे ये दिया, अब देखो जरा, अगर बाय द वे ये दे दिया तो इसमें सबसे पहले तो कोने में चले जाओ एकदम, ठीक है, क्या चेक करोगे ये चीज फिजिबल भी है कि नहीं, कैसे चेक करोगे, चेक करने के लिए ये करना है एट अपॉन अंडर द रूट ऑफ है ना ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सात का स्क्वायर प्लस छह का स्क्वायर। बच्चा जानता है सात का स्क्वायर 49 और छह का स्क्वायर 36, 49 और 36 85 होता है, हाँ है ना। अच्छा अगर याद हो तो 8 अपॉन 85 बोलते ही ना बच्चे के मुंह से निकलता है, अगर कल को ये 81 होता 81 होता तो दुनिया 9 कह देती, तो इट इज ग्रेटर देन 9। अगर मान लो एक बार के लिए तो 9 ही मान लेता हूं, तो इट इज ऑलमोस्ट 8 by 9 इज लेस देन 1, सोचो हाँ या ना। ये तो एक से छोटा है, एक से छोटा मैंने रेंज में, तो इसका मतलब ये कि इसका आंसर इज फिजिबल,
ठीक है, तो इसलिए प्रोसेस आगे बढ़ा रहा हूं। अब प्रोसेस में क्या करना, कुछ नहीं करना, कोई डिवाइड नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा आंसर कि आंसर किस में चाहिए। ठीक है, आंसर मान लो अगले ने कहा साइन में दिखा दो, तो हमने आंसर क्या दे देना है, एन पाई प्लस में कितना माइनस वन की पावर एन इंटू में साइन इनवर्स, सुनना सी अपॉन ये, यही नहीं आया, अरे सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो निकाला था, तो यहां पे कितना लिख दूंगा, एट अपॉन अंडर रूट 85 लिख दूं, माइनस में कितना टेन इनवर्स ए बाई बी, ए बाई बी मतलब 7/6, बात पकड़ भाई, 7/6 एक आंसर राइट है, और एक्स पकड़ो कितना एन पाई, ना ना 2n पाई प्लस माइनस राइट है, कॉस इनवर्स में 8/√85 लिख दो, प्लस में कितना टेन इनवर्स 6/7 पकड़ में आ गई है ना, ऐसा। तो ये दो आंसर है। अच्छा क्या सर इससे मेरे पिछले क्वेश्चनों का भी हल हो सकता है, जो मतलब जो मैंने पहले कर लिए है ना, अच्छा उनमें एक क्वेश्चन था √3 sin x प्लस कितना cos x वगैरह ऐसा कुछ था, एक सेकंड √3 cos x प्लस में कितना साइन एक्स इज इक्वल टू कितना 2, ये था ना भाई, अच्छा चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कितने लोगों को याद है, देखो जरा मैं आंसर निकाल रहा हूं कॉस में, क्यों, क्योंकि आपका आंसर था कॉस में, देखना वन टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है ना, पहले लिखता हूं कितना 2n पाई लिख दो प्लस माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है ना, सी, सी का मतलब 2/2 लिख दो डायरेक्ट 2/2, आप में से किसी को ऐतराज ना, तो 2/2 अच्छा प्लस टेन इनवर्स में कितना ए बाई बी, बी बाई ए का मतलब 1/√3। अच्छा बच्चा बच्चा जानता है एक छोटी बात है क्या, कि ये हो गया 1, कॉस में 1 0 पे आता है, अरे हाँ या ना, तो कितना हो गया, ये तो 0 हो गया राइट है, तो आंसर कितना हो गया 2n पाई प्लस माइनस कितना 0 राइट है ना भाई, और टेन इनवर्स 1/√3 बोले तो 5/6 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब ओवरऑल आंसर कितना आ गया 2n पाई प्लस 5/6, क्या आंसर यही था क्या, नहीं देखो आप क्लिक कर गया कि नहीं कर गया, माने ये तो सुपर हिट है, ठीक है ना, उल्टा है ना ऐसा दे दो तो अगला तो बुरा आ जाए, क्या हो गया ये क्या है, ठीक है ना, लेकिन आंसर तो आंसर है, ठीक है ना। अच्छा आगे चलता हूं आगे, ठीक है, तो उम्मीद है आप कर सकते हैं इसमें ज्यादा अपन है ना, लेकिन अपने को दोनों में बैलेंस करके चलना है, याद रखना दोनों में बैलेंस करके खेलना है। ठीक है, पहले वाला तरीका ज्यादा वैलिड मानते हैं लोग क्योंकि एडवांस का तरीका है, ये उसके बियॉन्ड है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा उससे आगे का तरीका है, ठीक है ना, तो देखा था दोनों सेम है, मैंने आपको दिखा दिया दोनों के आंसर मिलते हैं, ठीक है ना, अच्छा ठीक है, अरे वाह ठीक है, इसमें है टाइम ना भाई, कुछ ऐसा दर्द वर्द ना, कुछ बातें थोड़ी ना हुई, ठीक है, हाँ भाई T4 ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग सम इंटू प्रोडक्ट, हाँ ये तो वो वाली बची थी पिछली वाली, ट्रांसफॉर्मिंग सम इंटू प्रोडक्ट, ठीक है ना, अच्छा इसी के साथ T5 भी इसी के साथ पढ़ी जाती है, ट्रांसफॉर्मिंग बिल्कुल ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट इंटू सम, हालांकि हम लोगों ने ये पहले ही पढ़ ली थी, शुरुआत में ही ये पढ़ ली है, याद है कि नहीं, ये हमने शुरुआत में ही पढ़ ली है, तो हालांकि ऑलरेडी स्टडीड लिखता हूं मैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन करते हुए इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं राइट है, आइए ठीक है, क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, साइन एक्स प्लस साइन 5x इक्वल टू साइन 2x प्लस में दे रखा है कितना साइन एक्स, साइन प्लस में कितना, ये क्या लिखा है साइन एक्स 4x है, 4x हाँ क्योंकि ये 4 ही हो सकता था, ठीक है, अच्छा मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या ना, जिसके पीछे बात छेड़ी है, ये पहला ऑप्शन है n पाई बाय 3, सेकंड ऑप्शन है 2n पाई बाय 3, ठीक है ना भाई, अच्छा अगला ऑप्शन है सी, वो कितना दे रखा है 2n पाई, एंड इन द लास्ट ये डी दे रखा है n पाई राइट है भाई, हाँ भाई लिख लीजिए, ठीक है सोच लेते हैं अपन, है ना,
अच्छा अगर आपने ये यहां तक लिख लिया तो आगे चलो, है ना। ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको बहुत अच्छा अच्छा सीखने को मिलेगा, पूरे चैप्टर में आप हर बार कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। देखो अब अगली चीज सिखाता हूं, अगली चीज क्या है, देखिए ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, सबको पता है साइंसी प्लस एनडी लगाऊंगा मैं, ठीक है ना भाई, जानकर बच्चा था अंदर। साइंसी प्लस एनडी का हो गया 2 साइन, दोनों का सम डिवाइड बाय 2 माने कितना हो गया 3x, और दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2 माने कॉस 2x, है ना भाई, सीधी सीधी बात, राइट है भाई। अच्छा इधर की तरफ अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 साइन में कितना 3x एंड अगेन इनटू में कितना कॉस x, राइट है भाई। अच्छा अब सबको 2 तो काट देता हूं, है ना, दोनों को एक तरफ ला रहा हूं, एक तरफ आते कॉमन क्या आ जाएगा साइन 3x, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार। अच्छा यहां क्या बच जाएगा, कॉस में कितना 2x माइनस में कितना कॉस x, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0, राइट है ना भाई। अच्छा बच्चा बच्चा ये भी जानता है कि ये साइन 3x यहां कॉस c इंटू कॉस डी लग जाएगा, याद है, कॉस c इंटू कॉस डी का मतलब हो जाएगा 2 साइन साइन, याद है ना। तो बाहर एक तो लिख देता हूं माइनस 2 लिख दू, साइन के अंदर अगर देखा जाए तो दोनों का सम डिवाइड बाई 2, साइन का अंदर दोनों का सम डिवाइड बाई 2 माने 3x डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन में दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया x बाई 2, बहुत ही शानदार यहां तक, है ना, इक्वल टू कितना हो गया 0, अच्छा 3x बाई 2, ठीक है भाई। अच्छा इनटू में ये हो गया, है ना। अब आप में से कितने लोगों को दिख रहा है, ये अपने आप में तीन चीजों का प्रोडक्ट है और आंसर कितना ला रहा है 0, इसका मतलब किसी एक ने तो 0 दिया ही है, या तो ये 0 दे गया या ये 0 दे रहा है या ये 0 दे रहा है, दे रहा है ना भाई। अच्छा इन केस अगर उसने 0 दिया तो अपने को ये पता है कि अगर मान लो साइन 3x ने 0 दिया तो ये भी पता है ना अपने को, बच्चे बच्चे जानते हैं कि साइन 3x 0 देगा या क्या देगा, साइन 3x बाई 2 0 दे रहा है, ठीक है ना भाई, या फिर अपने आप में साइन x बाई 2 0 दे रहा है ना भाई। अच्छा अगर 3x 0 दे रहा है तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया n पाई, बेहद शानदार, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया n पाई बाई 3, राइट है ना भाई, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं। अच्छा और यहां से अगर मिलाता हूं तो 3x बाई 2 थीटा तो यही है ना, इज इक्वल टू n पाई, अरे साइन थीटा तो हर बार n पाई पे देगा ना, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2n पाई डिवाइड बाई 3। अब इससे अपना है ना एक और ऑप्शन प्रकट हो गया बी, आपको सबको सही लगने लग गया। अच्छा यहां अपने को पता लग गया x बाई 2 इक्वल टू कितना n पाई, तो x इक्वल टू कितना हो गया ना 2n पाई, लो एक और ऑप्शन भी सही हो गया। लेकिन आंसर मल्टीपल ऑप्शन नहीं है, आंसर जो है कोई एक है। अब इसको समझने के लिए, यही समझने के लिए क्वेश्चन, मैंने कहा ना बहुत सीखते हैं इसमें, इस चैप्टर के अंदर ऐसी ऐसी बातें सीखने को मिल जाती है ना जो लगता है यार अमेजिंग है ना, ऐसा सोचना तो गजब है, ठीक है। आपको पहले बताता हूं, इसको जरा खोलते हैं अपन, आपको बताइए ये 0 से 2 पाई में मतलब काफी दूर तक खोलते हैं, एक बार ऐसे मन की आंखों से खोल देते हैं, ठीक है ना। अच्छा आपको यह चीज तो पता ही है कि पहले सबसे पहले एन की जगह 0 चढ़ेगा, हाँ या ना। अच्छा 0 के बाद अगला कौन चढ़ेगा, पाई बाय 3, अरे हाँ या ना, अगला कौन चढ़ेगा 2 पाई बाय 3, बहुत शानदार, अगला पाई, अगला 4 पाई बाय 3, और आगे चलो कितना 5 पाई बाय 3, फाइन। एक सेकंड, आपने क्या बोला मेरे को 5 पाई बाय 3, गुड है 5 पाई बाय 3, अगला 6 पाई बाय 3 बोले तो 2 पाई, एंड सो ऑन चलता रहेगा, जो भी चलता रहेगा ना भाई, ऐसे मैंने ले लिया, राइट है। अच्छा अब मैं इधर की तरफ चलता हूं, इस वाले को भी दिखाता हूं, आप पहला आदमी 0 रखते हैं 0, सही है, अगला कौन हो गया 2 पाई बाय 3, बहुत बढ़िया, ये अगला 4 पाई बाय 3, अगला बोलो कितना 2 पाई, सही ना। अच्छा 2 पाई के आगे नहीं जा रहा, इसको लॉक कर देता हूं, है ना। अच्छा अगला देख रहा हूं, अगला क्या होगा 0, ये तो सीधा ही लीप लिया है 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, सही ना भाई। अच्छा अब देखो जरा कौन सी ऐसी चीज है, ध्यान से देखना। अच्छा अब आपने ये देख लिया ना, सबसे पहले तो ये पता चल गया 0 इसमें भी है ना, एक मिनट, आराम से चलता है, आराम से धीमे धीमे चलेंगे अपन, ठीक है ना। अच्छा रेडी है ना, अब देखो जरा ये जितने भी लोग हैं वो सारे इसमें पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे, नहीं आया समझ में, इसका मतलब अगर मैं ये टोकरी उठा लू तो इसमें ये और ये तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं आया समझ में, अगर मैंने ये वाली टोकरी उठा ली तो इसमें ऑलरेडी ये तो है ही शामिल है कि नहीं है, इसका मतलब ये इसका बाप है, इसको ले लेता हूं, इसमें तो ये है ही, हाँ या ना। अच्छा और ये जितना भी जो भी यहां लिखा वो सारा इसमें है कि नहीं है, देखो जरा 2 पाई बाय 3 भी है, 4 पाई बाय 3 भी है, 2 पाई भी है कि नहीं है, इसका मतलब ये इसका ग्रैंड पा है, हाँ या ना, नहीं आया समझ में, है कि नहीं भाई। तो अगर देखा जाए तो अगर इसकी टोकरी उठाने में फायदा ना, अगर मैंने इसकी टोकरी उठा ली तो इसमें सारे शामिल है, तो एक ही टोकरी उठाऊं ना मैं, इतनी तीन तीन टोकरियां क्यों उठाऊंगा,
तो फाइनल आंसर क्या हो बच्चा, फाइनली आंसर क्या है, x इज इक्वल टू एन पाई बाई थ्री। सही है, सबसे बड़ा बाप। सही है, यहां तक कोई तकलीफ है ना? अब आपको समझ में आया कि ये, अच्छा ये आपको कहानी पकड़ में आ गई ना? हाँ, मैंने कहा था ना कुछ थोड़ा सा त्याग करके करोड़ों का फायदा, करोड़ों का। ठीक है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं? अच्छा अब इसी चीज को है ना, देखो अब देखो, ये तो अपने क्या किया ना, ये तो वो गरीब मेथड लगाया कि ये इसमें है कि नहीं, वो है इसमें कि नहीं। इसी को अगर अब अगर भाई तो ना इसको थोड़ा रिच वे में देखें तो कुछ नहीं किया, गौर से देखना, गौर से। ठीक है ना, अच्छा करना क्या है, अगर आपको समझ में आता है तो यहां वन लिखा है, बहुत ध्यान से देख लेना भाई, आराम से देख लो। ठीक है ना, एक से मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे लिखा है पाई बाय थ्री, कितना लिखा है एक बार एन हटा के दिखा रहा हूं, पाई बाय थ्री। अच्छा अगले वाले में कितना लिखा है, टू पाई बाय थ्री, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। राइट है, अगले में क्या लिखा है, टू पाई, बहुत ही शानदार, टू पाई डिवाइड बाई वन कर दू। हाँ है ना, किसी को याद है कहीं बचपन में हमने ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ का एलसीएम सोचा था, याद है कहीं कहीं की कॉपी के किसी कोने में एलसीएम की ऐसी बातें हुई थी, तो हम एलसीएम कैसे लिया करते थे, ऊपर वाले का तो एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, याद आया? अगर मैं ऊपर वाले का एलसीएम लूंगा तो पता है पाई, टू पाई और टू पाई का एलसीएम टू पाई ही आएगा, आएगा क्या, आया ना, और नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा, नीचे वाले का एचसीएफ थ्री, तो आंसर आना चाहिए था टू पाई बाय थ्री। राइट है, लेकिन आंसर कितना आ रहा है, एन पाई बाय थ्री। इसका मतलब कई लोग ये वाला मेथड बताते हैं है ना, रिच मेथड, और उसमें लफड़ा पड़ जाता है, लफड़ा नहीं है समझ में। अरे देखो ना, ऊपर का एलसीएम कितना आएगा ना, ऊपर का एलसीएम आएगा टू पाई और नीचे का कितना आएगा थ्री, तो कई बार कई लोग जल्दबाजी में एलसीएम बोल बैठते हैं और एलसीएम इसका गलत आंसर देता है, रिच मेथड फंसवा देता है गलती से, नहीं है। इसलिए बेस्ट मेथड इज गरीब मेथड, देख लो आपकी ये है ना, कर लेंगे है ना, टाइप पांच हो गए है ना, हालांकि अपन पांचवा तो कर चुके थे, अब करना क्या है, आपको काम करना है ना अब।